फ्रेंड्स आप सभी कैसे हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि जो आपकी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग की जाएगी वो 18 अगस्त से 30 अगस्त का जो डेट मिला है फ्रेंड्स, इसी में आपको जो है काउंसलिंग के लिए जाना है। एंड इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है आपको काउंसलिंग के राउंड में लेकर जाना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपके पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी सारे स्टूडेंट की जो है एडमिशन वो काउंसलिंग राउंड में ही कैंसिल होने के चांस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज फ्रेंड्स उनके पास जो है कम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाते, कुछ डॉक्यूमेंट्स में जो है इनकरेक्ट जो होते हैं इन्फॉर्मेशन होते हैं, इस वजह से फ्रेंड्स उनके जो है काउंसलिंग राउंड में ही जो है एडमिशन जो है कैंसिल हो जाती है। इसलिए फ्रेंड्स आप जो है वो सभी डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लें। सो फ्रेंड्स चलिए हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। जैसा कि डेट तो आपको पता ही है फ्रेंड्स कि आपकी जो है काउंसलिंग की जो फर्स्ट राउंड जो किया जाएगा वो 18 से 30 अगस्त के बीच किया जाएगा। एंड इसी दौरान फ्रेंड्स आपको जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है वो सभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एंड आपको बताऊंगा भी कि किस प्रकार जो है वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन के लिए आपको पहले ही अरेंज करने होंगे। तो फ्रेंड्स आपको जो है काउंसलिंग राउंड में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है अपने अलॉटेड जो इंस्टीट्यूट जो है जो अलॉट आपको किया जाता है इंस्टीट्यूट उसमें जाना है। एंड फ्रेंड्स क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जो है पासिंग सर्टिफिकेट लेकर जाना है। एंड उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है क्लास 10th एंड 12th की जो है सर्टिफिकेट लेकर जानी है। एंड ये सभी जो है फ्रेंड्स ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। तो आप जो है ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड्स 2 सेट्स ऑफ जो है सभी डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी लेकर जा सकते हैं। एंड फ्रेंड्स आपको जो है आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है एंड काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है फ्रेंड्स उन सभी का जो है प्रिंट आउट एंड उसके जो है एक एक फोटोकॉपी का 2 सेट बना लें। एंड फ्रेंड्स वो लेकर जाना है आपको। एंड ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके जो है आपके फोटोकॉपी भी लेकर जाने होंगे एंड ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाना है। एंड फ्रेंड्स आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी लेकर जानी है। एंड उसके बाद फ्रेंड्स जो है यूपी के डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना है आपको। एंड फ्रेंड्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर फ्रेंड्स अपडेट नहीं है तो इसको अपडेट करा लें। एंड अब उसके बाद है फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन नंबर एंड स्लिप, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि ये लेकर जाना बेहद ज़रूरी है। एंड उसके बाद जो है आप 2 कलर फोटोग्राफ लेकर जा सकते हैं। उसके बाद पेमेंट जो आपने फीस जो है फ्रेंड्स पे की है उसकी जो है रिसिप्ट आपको लेकर जाना है। एंड जो है आपने अगर एप्लीकेशन जो फॉर्म आपने फिल किया उसमें अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन फिल किया फ्रेंड्स तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। एंड यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो आपको सीट इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाता है, जिस इंस्टीट्यूट में आपको सीट अलॉट किया जाता है तो उससे पहले जो है फ्रेंड्स आपको जो है 2000 रुपीज़ जो पे करनी है एंड उसकी जो है फ्रेंड्स रिसिप्ट आपको लेकर जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए काउंसलिंग राउंड 1 में। सो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो फीस जो आप 2000 रुपीज़ पे करते हैं ये फ्रेंड्स आपकी फ़ीस जो है वेस्ट नहीं होगी। जब आप ट्रेनिंग करेंगे, जब आप जो है अपना परस्यू करेंगे अपना BTC कोर्स, तो उस दौरान फ्रेंड्स जो आप फीस पे करेंगे उसके साथ फ्रेंड्स एडजस्ट कर लिया जाएगा आपकी जो फीस है जो आप 2000 पे करेंगे। एंड फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। सो चलिए हम वहाँ पे चलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप साफ देख रहे हैं फ्रेंड्स एप्लीकेंट्स हैविंग लो इनकम फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स फॉर देम कॉलेज इन BTC एप्लीकेशन गिव्स अ फॉर्म ऑफ BTC स्कॉलरशिप इन गवर्नमेंट कॉलेज BTC फीस। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो है 10,000 से 15,000 रुपीज़ हैं एंड यहाँ प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है फ्रेंड्स वो 40,000 से 50,000 रुपीज़ हैं। बट फ्रेंड्स जब आप जो है आपको अगर स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है तो आपको जो है फीस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन फीस जो आपने मतलब कि स्कॉलरशिप के लिए जो फॉर्म फिल किया है फ्रेंड्स एंड जो आपके स्कॉलरशिप आपको जो मिलती है उसी के साथ जो है प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस एडजस्ट कर लिया जाता है। सो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें एंड जो कुछ भी फ्रेंड्स आगे होता है आप जो है बिल्कुल टेंशन फ्री आप जो है कॉन्फिडेंस के साथ अपना जो है प्रोसेस क्लियर करें। एंड उसके बाद फ्रेंड्स जो है आपकी क्लास स्टार्ट होगी एंड क्लास लें। सो हम यही उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो है एडमिशन सक्सेसफुल हो। एंड अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको डाउट है फ्रेंड्स तो आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं जितना जल्दी हो सके मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं कुछ
मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि कितने सीटें जो हैं गवर्नमेंट की है, कितने प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं यूपी में बीटीसी के लिए, एंड क्या कट ऑफ जा सकती है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, क्योंकि मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।